माफिया बेखौफ अपनी शेखी बगाड़ते थे, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है माफिया के खिलाफ यहां सफाई अभियान चल रहा है। कांग्रेस के शहजादे भारत को गाली देने के लिए विदेश जाते हैं। 24 के महासंग्राम का चुनावी तूफान अब हार्डकोर पूर्वांचल के अखाड़े में पहुंच गया। ऐसे में तेवरों में धार भी बढ़ी और माफिया मुक्त यूपी का टोन भी सेट हुआ, वो भी इसलिए क्योंकि पीएम मोदी जिस संगम नगरी प्रयागराज के शक्ति प्रदर्शन के लिए पहुंचे, उसने माफिया अतीक अहमद के आतंक को करीब से देखा। प्रयागराज के लोगों ने उसके आतंक को सहा। अब जब अतीक और उसके जुर्म का साम्राज्य मिट्टी में मिला, तो त्रिवेणी की सियासत में माफिया मुक्त यूपी को बीजेपी ने बड़ा अस्त्र बना दिया। सपा सरकार में माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता था, अब उसके अवैध महल तोड़कर भाजपा सरकार वहां गरीबों के लिए घर बनवा रही है। इलाहाबाद लोकसभा सीट पर इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प है। दो राजनीतिक परिवारों के बीच विरासत को बचाने की विवाद है। बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने उज्जवल रमन सिंह पर दांव लगाया गया। उज्जवल रमन सिंह समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और इलाहाबाद के पूर्व सांसद रेवती रमन सिंह के बेटे। दो सियासी वारिसों के बीच मुकाबला जोरदार है। इंडिया बनाम एनडीए ने इलाहाबाद के अखाड़े में पूरी ताकत झोंक रखी। इसमें पीएम मोदी के शक्ति प्रदर्शन ने माहौल को और गर्मा दिया। भाई नीरज त्रिपाठी जी और फूलपुर से भाई प्रवीण पटेल जी, आप इन्हें जो वोट देंगे वो मोदी को मजबूत करेगा। आप बताओ 4 जून के इनका जिताए के भेजो ना, हमें जोर से बोलो दोनों सीट पर कमल खिली ना। देश को दो दो प्रधानमंत्री देने वाली इलाहाबाद लोकसभा सीट हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। लाल बहादुर शास्त्री हेमंती नंदन बहुगुणा की कर्मभूमि पर आखिरी बार कांग्रेस के टिकट पर अमिताभ बच्चन सांसद बने थे, वो 1984 का दौर था। इसके बाद वीपी सिंह जनेश्वर मिश्र जैसी हस्तियों ने इलाहाबाद सीट का प्रतिनिधित्व किया था, तो मुरली मनोहर जोशी ने इलाहाबाद में इतिहास भी रचा। यहां से मुरली मनोहर जोशी 1996 से लगातार 3 बार सांसद रहे। 2004 से ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई और 2014 तक रेवती रमन सिंह का दबदबा रहा। मोदी युग में 2014 से इलाहाबाद में बीजेपी का कमल खिला और 2019 में भी जलवा कायम रहा। इस बार बीजेपी ब्रांड मोदी के नाम और काम के सहारे हैट्रिक बनाने को लेकर कॉन्फिडेंट है, तो इंडिया गठबंधन ने भी तगड़ी फील्डिंग सजा रखी। दो लड़कों की जोड़ी यानी राहुल और अखिलेश भी प्रयागराज में ताल ठोक चुके हैं। भाई और बहनों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की पार्टनरशिप है। यहाँ पे हमारे हजारों बब्बर शेर कार्यकर्ता आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब आप बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं के सामने खड़े हो जाओ, पोलिंग बूथ में खड़े हो जाओ और यहां के प्रत्याशी को 5 लाख वोटों से जिताओ। ब्रांड मोदी की गारंटी बनाम राहुल की सोशल इंजीनियरिंग, शहमात के खेल में संगम नगरी की सियासत भी दिलचस्प हो गई। 25 मई को यूपी की जिन 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें इलाहाबाद फूलपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल। टीम न्यूज़ नेशन।